Yes, NIMCET exam notification is out 2018. I am today here discuss about NIMCET exam 2018. My dear students, जिस भी बच्चों का सपना टूटा है, चाहे NIT में पढ़ने का, चाहे IIT में पढ़ने का, उसके लिए एक बार फिर से वो जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके पास एग्जाम्स है, NIMCET एग्जाम. अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, तो आप आराम से हमारे ऑल ओवर इंडिया में 11 NITs से आप 11 के 11 NITs हैं, आपको किसी भी कॉलेज में बड़ा इजिली आपको एडमिशन मिल जाता है और वहां से MCA कर लेते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका पता है. अगर जो भी बच्चे अगर MCA या कुछ भी अच्छा बीटे बच्चा कोई भी कोर्स हो किसी भी NIT से NIT से करता है तो उनके पास बहुत ही अच्छा एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज मिलता है. तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है NIMCET एग्जाम. जिस भी बच्चों का सपना टूटा है, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन पास आउट हो, चाहे वो 12th पास आउट करने के बाद किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप आराम से NIMCET एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. और हमारे ऑल ओवर इंडिया 11 NITs है, सुरतकाल है, वारंगल है, दुर्गापुर है, जो भी है, चाहे कुरुक्षेत्र हो, आप इसमें बेस्ट रैंक के थ्रू आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं और इसके थ्रू जो है आपको आपकी लाइफ जो बहुत गोल्डन हो जाएगी. थैंक यू. मैं बताता हूँ आपको, देखिए बेसिकली अगर आप NIMCET एग्जाम को आप क्रैक करते हैं तो आपके NIMCET एग्जाम MCA में आपको एडमिशन मिल जाता है. उसके थ्रू मैं आपको कुछ कॉमन सी मिस्टेक करने वाली बातें बताऊं, क्योंकि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो है जो MCA क्रैक करने के बाद कई सारे NITs में पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो मिस्टेक किया था, जो कुछ रह भी गए जो बच्चे तैयारी कर रहे, तो उन्होंने जो मिस्टेक किया वो मिस्टेक की बात बता रहा हूँ. आप इस एग्जाम को प्रिपेयर, इस एग्जाम के फॉर्म जो है आपको कहाँ मिलेंगे, NIMCET.in पर आपको फॉर्म मिल जाएंगे. आप वहां पे जाएंगे, नीचे लॉग इन करके यूजर आईडी होगा, वहां पर आप एक ईमेल आईडी से आप फॉर्म जो बड़े जल्दी में नहीं बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से फॉर्म को फिल करेंगे. एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, कई सारे बच्चे ये करते आ रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, 2-3 ईमेल आईडी से अपना एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं. तो आपको इस आपको क्या करना है, जो NIMCET.in पर क्लिक करना है, उसके नीचे जो है आपका यूजर आईडी यानी कि ये लॉगिन करके है, आप वहां पे एक ईमेल आईडी से बड़े प्यार से फॉर्म को भरेंगे. ध्यान रखना, अगर आपने गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी का मतलब कि अगर आपने दो ईमेल आईडी कभी यूज करने के बाद फर्जी अकाउंट के थ्रू अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर एक बार कंप्यूटर आपका एक्सेप्ट कर भी लिया बायोडाटा, तो सेकंड टाइम आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इन चीजों में काफी करीब से देखा है. तो बच्चों मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, आप एक बार अपना ईमेल आईडी आप क्लिक करें, लॉग इन पर जाए और आराम से आपको क्लिक करें, एक ईमेल आईडी के थ्रू बड़े प्यार से फॉर्म को फिल करें. इसमें मैं बता दूं टोटल ओवर इंडिया मुझे 800 समथिंग कुछ सीट है, ऑल 800 समथिंग कुछ सीट है. अगर आप उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं तो बहुत ही प्यार से आपको बहुत कुछ मिल सकता है. मैं आपको बता दूं इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है. इस एग्जाम में जो फॉर्म है, 1 मार्च to 31 मार्च तक के हैं. इस 31 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 27 मई 2018 के इसके एग्जाम्स होंगे, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बड़े प्यार से फॉर्म फिल कर सकते हैं. जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म है तो आप बड़े प्यार से फॉर्म को फिल कर सकते हैं. मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दूं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. 50 क्वेश्चन जो है ये मैथ के होते हैं, 40 क्वेश्चन जो है ये लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश के होते हैं और 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से होते हैं. अगर 120 क्वेश्चन होते हैं, अभी 120 क्वेश्चन तो बड़े प्यार से फॉर्म बड़े प्यार से आप पढ़ सकते हैं. आपको पता है कि अगर आप कसम से लगे जो मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स से आप बहुत आसानी से अगर आप एक बार मेहनत कर लिया तो उसके क्वेश्चन गलत होने में बहुत कम ही चांसेस होते हैं. लॉजिकल रीजनिंग तो कई सारे बच्चे क्रैक कर ही लेते हैं. मैं आपको उसके पहले एक और बात बता दूं, अगर आप एक क्वेश्चन क्रैक करते हैं तो राइट क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलता है. आप देख सकते हैं कितना अच्छा एग्जाम्स है. आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना. आपको मैं सीटिंग केवल भी बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे इस एग्जाम को क्रैक करने हैं. इस एग्जाम की मैं आपको सीरीज की कई सारी चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा. तो आपको क्या करना है, सिंपल बात है, 50 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के. अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स डिडक्ट होता है. इन सब चीजों को इवेल्युएट करने के बाद जो NIMCET है वो अपने रैंकिंग डिसाइड करती है, रैंक निकालती है. उस रैंक के बिहार पे आपको जो है क्या कहते हैं, आपको कॉलेज मिलेगा, NITs मिलेंगे. तो ये था मेरा आज का मेन पर्पज आपको बताने का, NIMCET एग्जाम 2018 का नोटिफिकेशन बताने के लिए. ये था मेरा आज का दिन, आज होली का बेस्ट दिन है. मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार
आपके आसपास के सभी लोग, मेरी नर्स अकेडमी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप इन चीजों को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उन ग्रुप में इनको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी चाहे गली गली मोहल्ले बोले बिल्कुल भी, जो भी बच्चे चाहे किसी गाँव में क्यों हो, चाहे कितने भी जगह हो, अगर उन बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता नहीं, उनका कोई सपना टूटा है NIT में पढ़ने का, एक मौका है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।